मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चौधरी कमला, इन योर 8th स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट वी ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. नाउ इन दैट इन अवर प्रीवियस वीडियोज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 6, इन दैट वी फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2. नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. Now in that exercise 6.3, your question number 1 is there. Exercise 6.3, in that your question number 1, what could be possible once digits of the square root of each of the following numbers. आपको क्या find out करना है, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers. ये जो number आपको दिए उसके square root में कौन सा number, उसका unit place digit कौन सा होगा वो आपको इधर लिखना है, क्या हो सकता है वो आपको इधर लिखना है. So now first exercise 6.3 का first question का first आपको दिया है 9801. तो 1 का square क्या होता है 1, और 1 का square root भी क्या होता है 1. तो आपका आंसर इधर क्या आएगा 1. मींस हियर यू कैन से डायरेक्टली कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो इधर लास्ट डिजिट 1 है, तो इधर पॉसिबिलिटी क्या है कि आंसर में क्या आएगा 1 आएगा. वैसे ही सेकेंड नंबर आपको दिया है 9,99,856. इधर आपको यूनिट प्लेस डिजिट क्या दिया है 6 दिया है, तो उसके स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट में कहाँ पे आता है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है 6. तो दोनों ही क्या है, स्क्वायर करो या स्क्वायर रूट करो, दोनों का लास्ट डिजिट आपको क्या मिलता है 6 मिलता है. इसके बाद आपको थर्ड दिया है 998001. नाउ इसमें भी क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट 1 है, तो इधर आपको मिलेगा 1. देन आफ्टर फोर्थ नंबर, फोर्थ आपको दिया है 657666. इधर आपको देखना ओनली क्या है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 5 है, तो आंसर में क्या आएगा 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो दोनों में स्क्वायर अगर लास्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 5 हो तो उसका स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट आपको यूनिट प्लस डिजिट में भी 5 मिलेगा, और अगर स्क्वायर रूट में 5 है तो उसका स्क्वायर भी आपको क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट क्या मिलेगा 5 मिलेगा. मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट, और यू कैन से वंस डिजिट. नाउ देन आफ्टर नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 आपका इधर फिनिश हुआ. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. इधर आपको जो नंबर दिया है उसका कैलकुलेशन किए बिना आपको बताना है कि कौन से नंबर का कौन से विच नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा नंबर को आप बता सकते हो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. तो उसमें आपको फर्स्ट नंबर का दिया है 153. सो आपको पता है कि जिसका लास्ट डिजिट क्या क्या होना चाहिए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 14569, जैसे हमने एक्सरसाइज 6.1 में लर्न किया था, एंड इवन नंबर ऑफ जीरो अगर होते हैं तो वो नंबर को आप क्या बोल सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हो. तो इधर आप क्या बोलोगे, इधर क्या लिख पाओगे कि 153 हैज़ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज क्या दिया है आपको 3, यूनिट प्लेस डिजिट इज 3. इधर अगर आपको यूनिट प्लेस डिजिट 3 है सो वो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 14569 एंड इवन नंबर ऑफ जीरो होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो आप क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. आपको अगर लिखना है तो आप इधर ब्रैकेट में लिख दो या बॉक्स में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या होने चाहिए, लास्ट इवन प्लस सॉरी यूनिट प्लस डिजिट क्या होने चाहिए 14569 एंड इवन नंबर ऑफ जीरो.
वो फाइव में से अगर कोई है तो आप क्या बोलोगे उसको कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर इसमें से कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे कि दिस वन इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देन आफ्टर सेकेंड आपको दिया है 257। सो सेम जैसे आपने फर्स्ट में लिखा 257 हैज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 7। यूनिट प्लेस डिजिट आपको कौन सा दिया है, इधर 7 दिया है। सो व्हाट यू कैन से हियर कि इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। यूजिंग दिस सेम मेथड थर्ड एंड फोर्थ यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। अगर जैसे कि आपको थर्ड में दिया है 408 तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं होगा। बट लास्ट में आपको दिया है 441, वहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट अगर आप देखोगे तो आपको 1 दिया है, तो वो आपको क्या लिख सकते हो कि दिस कैन बी पॉसिबल, क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट अगर 1 है तो वो आप इधर लिख सकते हो कि वो पॉसिबिलिटी है हमारे लिए। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है, इधर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द 100 एंड 169। 100 का फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको क्या करना है, 169 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कौन सी मेथड आपको यूज करनी है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी ये मेथड में क्या करना है आपको, तो सब्ट्रैक्शन कुछ करना है, क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ओड नंबर्स। किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको वन बाय वन जो नंबर के लिए आप फर्स्ट टर्म स्टार्ट करते हैं, 100 के लिए फर्स्ट टर्म 100 के लिए स्टार्ट करते हैं, 169 बी नंबर दे के आपको होमवर्क में करना है, प्रैक्टिस में करना है। 100 का अगर आप समझ लोगे तो 169 का भी आप समझ पाओगे, अपने आप कर पाओगे। तो वन बाय वन आपको स्टार्ट करना है। वन नंबर का स्टेप कौन सा होगा, फर्स्ट ओड नंबर माइनस करो उसमें से तो क्या मिलेगा, 99। सेकेंड नंबर 99 में से सेकेंड ओड नंबर माइनस करो तो क्या मिलेगा, 96 मिलेगा। 96 में से भी इसके बाद वाला 3 के बाद क्या आएगा, 5। तो 96 में से 5 को माइनस करो, स्टेप नंबर देते जाना है कौन सा स्टेप आप आए, तो 96 माइनस 5 क्या मिलेगा, 91। 91 माइनस क्या करो आप, 7, तो क्या मिलेगा आपको, 84। 84 माइनस 7 के बाद आएगा 9, तो 84 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 75। 75 माइनस 11 तो क्या मिलेगा आपको, 64। 64 माइनस, कब तक आपको ये सब्ट्रैक्शन करते जाना है, इधर आप इज इक्वल टू जीरो आए तब तक आपको इसका सब्ट्रैक्शन करते जाना है। तो इधर आपको आंसर क्या मिलेगा, 51। नाउ 51 माइनस 15 तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इधर 36। 36 माइनस 17 तो आपको आंसर क्या मिलेगा वहाँ पे, 19। देन आफ्टर 10 नंबर 19 माइनस 17 के बाद क्या आएगा, 19, तो क्या मिला आपको इधर, 0। 0 आ गया तभी आपको रुकना है, इधर स्टॉप हो जाना है। और 100 का लिखना है, ये किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट, तो इसको रीड कैसे करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100। अभी इधर आपका स्क्वायर रूट स्टार्ट हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या मिलेगा, कितने नंबर ऑफ स्टेप आपने किए, तो कितने नंबर ऑफ स्टेप मैंने किए इधर, 10, तो आपका आंसर आएगा 10। वैसे ही 169 में आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इधर ओड नंबर से करते जाना है और लास्ट में इधर जीरो आ जाए और जहाँ पे आके कौन से नंबर का स्टेप है वो आपका आंसर होगा। तो यूजिंग दिस सेम मेथड यू हैव टू डू फॉर 169। जैसे मैंने ए में 100 दिया है तो बी में आप 169 करके अपने नोटबुक में आपको अपने आप सॉल्व करना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छे से ध्यान रखना इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी,
प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है आपकी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के यूज करके आपको इधर क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलो अभी हम स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट आपको इसमें दिया है 729। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू हैव टू फाइंड आउट प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। तो प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं, किसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, 729 के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 729 कौन से केबल टेबल में आएगा, तो 7 + 2 प्लस अगर 9 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 18। तो 3 के टेबल में आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में या 5 के टेबल में पॉसिबिलिटी नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने जो 6th स्टैंडर्ड में लर्न की थी, 2, 3, 5 वो सब में से आपको इधर यूज़ करना है। मोस्टली सब 2, 3, 5 में आ जाएंगे, अगर नहीं आते तो आपको आगे की डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करना है। सो इधर आप देखोगे 7 + 2 + 9 तो क्या हुए, 18, तो 3 के टेबल में आएगा। नाउ 3 1 is 3, 3 2 is 6, नाउ 1 रिमेनिंग, 3 4 is 12 एंड 3 3 is 9। अगेन 2 + 4, 6 + 3, 9, फिर से 3 के टेबल में आएगा, तो 3 8 is 24 एंड 3 1 is 3, फिर से 8 + 1, 9, तो 3 के टेबल में आएगा, 3 2 is 6, 2 रिमेनिंग, 3 7 is 21, अगेन 3 9 is 27, 3 3 is 1 एंड 3 1 is 3। अभी आपको लिख देना है 729 के आपको जितने फैक्टर मिले उतने आपको लिख देना है। कितने मिले आपको, 1 2 3 and 4 5 6 टाइम 3 आपको मिला है। नाउ हियर यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको दोनों साइड क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। कितने टाइम है, 3 6 टाइम। बट अभी आप क्या करो, इधर स्क्वायर रूट में लिखो तो अभी दो दो की पेयर बना के लिखो, 3 square multiply by 3 square multiply by 3 square। स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार वो नंबर, तो 3 2 times 3 2 times 3 2 times, तो टोटल 6 times हो गया। नाउ इसको हमें अभी कुछ नहीं करना है, बट इधर क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। तो स्क्वायर निकल गया, स्क्वायर रूट निकल गया, तो 3 अकेला, हियर 3 इज ओनली रिमेनिंग, सेम हियर 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, सो दिस वन 3 इज रिमेनिंग, एंड इन लास्ट ऑल्सो दिस वन 3 इज रिमेनिंग। तो आंसर क्या मिला, 3 3 is 9, 9 3 is 27। तो आपको इधर क्या आंसर मिला, फर्स्ट का 27। देन आप तो सेकेंड नंबर, सेकेंड आपको दिया है 400। तो सेम जैसे आपने फर्स्ट नंबर का हमने किया वैसे ही हमें सेकेंड नंबर का भी करना है। सो सेकेंड नंबर सेम हियर यू हैव टू फाइंड आउट फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400। तो 2 200 जा 400 200 200 250 जा 100, 2 multiply by 25 एंड 5 5 जा 25 एंड 5 1 is 5। ये आपने ऑलरेडी 6th स्टैंडर्ड में HCF एंड LCM में आपने सीखे थे ये फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है वो सब। सो नाउ 400 इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाउ मेनी टाइम 2, 1 2 3 4 एंड 2 times 5 मल्टीप्लाई बाय 2 times 5। नाउ हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 times 2, 2 times 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 times, तो 5 का भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 is 4, 4 5 is 20, दिस 20 इज योर आंसर। इधर अगर आपको बॉक्स बनाना है तो आप बना सकते हो, दिस वन इज योर आंसर, सेम ही हो, दिस वन इज योर आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट थर्ड नंबर 1764, थर्ड है आपका 1764। तो 1764 में भी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट फैक्टर। लास्ट अगर इवन डिजिट है तो वो तो 2 के नंबर में ही आएगा, अगर 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर आपका आएगा 2 के टेबल में, 2 8 जा 16, 1 रिमेनिंग, अगेन 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, 4 4 एंड 1। नाउ इट्स नॉट डिविजिबल विथ 2,
अभी आप देखोगे तो इधर लास्ट डिजिट इट्स नॉट मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट इट नॉट इवन नंबर, तो अभी सबका प्लस करो, 4 + 4 + 1 तो क्या मिलेगा 9, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 × 1 = 3, अगेन 1 रिमेनिंग, 3 × 4 = 12, 2 रिमेनिंग, 3 × 7 = 21। अभी इधर आप देखोगे तो फिर से इसका प्लस करो, 1 + 4 = 5 + 7 = 12, तो 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 × 4 = 12, 2 रिमेनिंग, 3 × 9 = 27। 49 अभी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 4 + 9 क्या होगा 13, सो इट्स नॉट डिविजिबल विथ 3, तो आपको पता है कि 7 × 7 = 49, 7 के टेबल में आता है और 7 इज इट्स सेल्फ ए प्राइम नंबर। एंड सो नाउ हियर फैक्टर ऑफ 1764, 2 × 2, 2 × 3 and 2 × 7, सो स्क्वेयर रूट ऑफ 1764 क्या मिला आपको इधर, 2² 3² √7² सब आपको स्क्वेयर रूट में लिखना है। नाउ स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल, सो 2 × 3 = 6 × 7 = 42 इज योर आंसर। थर्ड नंबर में आपको क्या आंसर मिला, 42। देन आफ्टर फोर्थ नंबर है 4096, सो सेम ईयर 4096 के फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालो आप, सो 2 × 2 = 0 2 × 4 = 8 एंड 2 × 8 = 16। सेम ईयर नेक्स्ट अगेन 2 से डिविजिबल होगा, अगेन 2 से डिविजिबल होगा, अगेन 2 से, बिकॉज इवन डिजिट देखो यूनिट प्लस डिजिट में क्या है, इवन डिजिट है, इवन डिजिट आता है तो 2 से डिविजिबल होगा ही वो नंबर। हाउ मेनी टाइम 2, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 टाइम आपको इधर क्या मिला, 2 मिला, तो 4096 इज इक्वल टू 12 × 2। नाउ अंडर रूट, स्क्वेयर रूट में अगर आप लिखते हो तो कितने टाइम आएगा, 2 × 2 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
मल्टीप्लीकेशन करो सबका, तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 दिस वन इज योर आंसर ऑफ फोर्थ नंबर. नाउ रिमाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क. जैसे 5 से लेके 10 तक आपको दिया है, तो वो सब आपको होमवर्क में करना है यूजिंग सेम मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर फाइंड आउट करो, फिर आपको क्या करना है सब फैक्टर लिख दो, जितने भी फैक्टर मिलते हैं उसको दो दो की पेयर में लिखो, और फिर आपको स्क्वायर रूट लगाना है. स्क्वायर रूट लगाओ तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो आपका आंसर होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये सब, इसका यूज़ आगे भी होता है, तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू सॉल्व इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.